क्या आपको कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला याद है? क्या आपको याद है कि उसने सलमान और अक्षय के साथ एक मूवी की थी? उसकी एक बहुत प्रॉब्लमेटिक बीमारी भी थी। आइए जानते हैं। शेफाली जरीवाला का जन्म अहमदाबाद में 15 दिसंबर 1982 में हुई थी। स्कूल के बाद सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीटेक की थी। 70 के दशक में रिलीज हुई धर्मेंद्र आशा पारेख अभिनीत समाधि फिल्म में लता मंगेशकर ने कांटा लगा गाना गाया था। इस गाने को फिर से बनाने का फैसला किया गया। 2002 में रिलीज हुए इस रीमेक गाने के वीडियो में पहली बार शेफाली को देखा जाता था। साक्षात्कार में शेफाली ने कहा, मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं पढ़ाई समाप्त करके ही अभिनय करूं, लेकिन मुझे 7000 रुपए दी जा रही थी। मैं इस अवसर को नहीं छोड़ना चाहती थी। पहले माँ को मनाया, फिर माँ के साथ पिताजी के पास गई। मैंने और माँ दोनों मिलकर पिताजी को मान लिया। कांटा लगा वीडियो आने के बाद रातों रात शेफाली प्रसिद्ध हो गई। तब उसकी उम्र सिर्फ 19 साल की थी। उस संदर्भ में साक्षात्कार में उन्होंने कहा, वीडियो को मुक्ति प्राप्त होने के बाद ऐसा लगा कि एक नजर में सब कुछ बदल गया। मुझे ऐसा लगा कि मैं कहानी में जी रही हूँ। 2002 में कभी आर कभी पार नामक और एक रीमेक म्यूजिक वीडियो में अभिनय किया शेफाली ने। 2 साल बाद 2004 में एक और म्यूजिक वीडियो में भी उन्हें अभिनेत्री के रूप में देखा गया। 2004 में बड़े पर्दे पर अभिनय का प्रस्ताव मिला शेफाली को। मुझसे शादी करोगी फिल्म में कामियो चरित्र में उन्हें अभिनय करते देखा गया। उसके बाद शेफाली ने किसी और हिंदी फिल्म में अभिनय नहीं किया। 2011 साल में उन्होंने हुडुगारू ना की कन्नड़ मूवी में एक्टिंग की। लेकिन क्या आपको पता है कि शेफाली को 15 साल की उम्र से एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी की दौरा पड़ता रहता था? साक्षात्कार में शेफाली ने कहा, एक दशक इस रोग को लेकर चलना बहुत ही मुश्किल थी। बार बार मूड स्विंग्स होते थे। तनावपूर्ण समस्याएं मेरे स्कूल जीवन और सामाजिक जीवन पर असर डालती थी। सभी उम्मीदें टूट गई थी। आत्मविश्वास भी बहुत कम हो गया था। बढ़ती उम्र के साथ शेफाली को नई प्रकार की शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। अभिनेत्री ने कहा, कभी कभी किसी भी स्थान पर मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता था। विशेष रूप से कांटा लगा के बाद जब मैं मंच पर परफॉर्म करती थी तो अलग अलग जगहों पर बहुत घूमना पड़ता था। उस समय भी यह रोग मुझे पकड़ लेता था। धीरे धीरे शेफाली ने मिर्गी से मुक्ति पाई। उन्होंने कहा, डॉक्टरों की सहायता और उत्साही मानसिकता ने मुझे सहारा दिया। मानसिक रूप से मैं मजबूत हो गई, शारीरिक रूप से भी फिट हो गई हूँ। अब वो मिर्गी से प्रभावित नहीं है। हालांकि इस बीमारी के कारण उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया है। अब बात करते हैं कि उन्होंने लाइफ में आगे क्या क्या किया और अब कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। 2004 साल में शेफाली ने संगीत निर्देशक हरमीत सिंह से शादी की, लेकिन 2009 में उसकी डिवोर्स हो गई। अभिनेत्री का दावा है कि उन पर हरमीत ने शारीरिक और मानसिक अत्याचार किया। थाने में हरमीत के खिलाफ अभियोग भी दर्ज किया गया था। कानों कान खबरें हैं कि तलाक के बाद उन्होंने हिंदी धारावाहिक अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी डेट किया, लेकिन दोनों सितारों ने उस रिश्ते को भी खत्म कर दिया। इसके बाद शेफाली ने टीवी के प्रसिद्ध स्टार पराग त्यागी के साथ डेटिंग शुरू की। 2012 में दोनों सितारों ने एक डांस रियलिटी शो में प्रतियोगी के रूप में भाग लिया। लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद 2014 में शेफाली ने पराग से शादी कर ली। शादी के एक साल के भीतर स्टार जोड़े को फिर से एक डांस रियलिटी शो में प्रतियोगी के रूप में भाग लेते हुए देखा गया। 2016 में शेफाली ने अपनी बहन के साथ मिलकर व्यवसाय शुरू किया। दुबई में दोनों बहनों ने मिलकर एक कोचिंग संस्थान खोला। 2019 में शेफाली ने प्रसारित बिग बॉस रियलिटी शो में भाग लिया, लेकिन अभिनेत्री फाइनल में पहुंचने से पहले ही शो से बाहर हो गई। 2018 में शेफाली को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई बेबी कमला नामक वेब सीरीज में अभिनय करते हुए देखा गया। इस सीरीज में बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े और चंकी पांडे भी हैं। 2019 में शेफाली फिर से OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई दी। उन्होंने वो सबकी फाटेगी नामक एक वेब सीरीज में अभिनय किया। इस सीरीज में तुषार कपूर, मल्लिका शेरावत और कृष्णा अभिषेक भी हैं। एक साल के अंतराल में लगातार 2 वेब सीरीज में शेफाली को अभिनय करते हुए देखा गया, लेकिन अभिनेत्री ने प्रचार नहीं किया। 2019 के बाद वो 5 साल तक अभिनय की दुनिया से दूर रही।
टेलीविजन सूत्रों के अनुसार शेफाली इस साल छोटे पर्दे पर वापसी करेंगी। उन्हें शैतानी रस्में नामक एक हिंदी धारावाहिक में अभिनय करते हुए देखा जाएगा। अभिनय से दूर रहने के बावजूद शेफाली सोशल मीडिया पर सक्रिय रही। इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स की संख्या 32 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है।